प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ऑफ रोबोट का थर्ड थ्योरी देखेंगे, की स्टोन थ्योरी और किंग थ्योरी। ठीक है, अब फिगर को देखिए बढ़िया से। देखिए ये कोल है और ये हमने गैलरी बनाया और गैलरी के रूप में हमने ये बोल्ट लगाया, ये बोल्ट है ना जी। ठीक है, अब यहां देख कैसे रहे हैं आप, रूप आपको फ्रैक्चर टाइप का दिख रहा है, एकदम टूट फूट पूरा क्रैक्स फ्रैक्स इस टाइप का दिख रहा है आपको, क्रैक्स है फिसर से रूप में है। तो क्या होगा, ये तो बहुत जल्दी आपका कोलैप्स कर जाएगा, इसमें सेगिंग जल्दी होगा, इसको थोड़ा सा भी लोड आएगा तो जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। अब ऐसे रॉक कंडीशन है आपका इमीडिएट रूप का, तो ये बोल्ट कैसे काम करेगा, वही चीज को समझाया है कीस्टोन ने। कीस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए थ्योरी को किंग थ्योरी बोलते हैं। क्या हुआ, ये देख रहे हैं ये सब क्रैक्स है, फ्रैक्चर्ड ब्लॉक है रॉक का। तो क्या किया, रूप बोल्ट को हमने इस टाइप का अंदर इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करने से क्या हुआ, बोल्ट को अंदर हमने लगा दिया, तो देख रहे देखे ये फ्रैक्चर जितने ब्लॉक्स है उसको क्या कर दे रही, इस रॉक के साथ में इस फ्रैक्चर ब्लॉक को बांध दे रहा है। अब बांध दे रहा है तो ये जो इमीडिएट रूप सेगिंग होना था या हटना था कोलैप्स होना था किसके थ्रू होगा, वो यदि फ्रैक्चर ब्लॉक है तो ये वीक प्लेन्स के थ्रू होगा, तो वीक प्लेन्स से अब रॉक मूवमेंट रुक जाएगा बोल्ट लगाने के बाद। क्लियर हुआ, क्या बोल रहे, इन केस ऑफ फ्रैक्चर्ड रॉक, इन केस ऑफ फ्रैक्चर्ड रॉक सी है, इन केस ऑफ फ्रैक्चर्ड रॉक बोल्ट बाइंड, बाइंड मतलब बांध देना, बोल्ट बाइंड द फ्रैक्चर्ड ब्लॉक ऑफ रॉक मॉस एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ रॉक फ्रॉम द वीक प्लेन्स, जो वीक ये वीक प्लेन्स थे फ्रैक्चर थे यही से रॉक स्लिप करता। ठीक है, उसको रोक देगा आपका बोल्ट, इतना ही बोलता है कीस्टोन थियरी ने। तो रूप बोल्ट के प्रिंसिपल को समझने के लिए हमने तीन थियरी देखा, एक कौन सा थियरी था, बीम थियरी, सस्पेंशन थियरी और की स्टोन थियरी। तीनों को हम अलग अलग वीडियो में भेज रहे हैं, बढ़िया से विथ फिगर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, दो दो लाइन तो लिखना है आपका हो जाएगा। इसके बाद हम भेजेंगे लांगवाल एडवांसिंग और लांगवाल रिट्रिएटिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।